हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आपके लिए आज हम कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, साथ में देखेंगे कि कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी आपके सामने। यहाँ पे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ पिक्स दिखाई दे रही हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उसमें आपको बहुत ही पवित्र स्थान दिखाई दे रहा है, तो जो भी स्थान आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको वो नंबर, वो तस्वीर, वो पिक्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है आज की रीडिंग के लिए। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है जो आप चाह रहे हैं बहुत समय से। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर से। लेकिन एक छोटी सी बात कि ये एक तरह की जर्नल रीडिंग होती है, तो ये सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है। आप चाहें तो इसको फॉलो करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें, आपका खुद का डिसीजन है। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है ना। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, इसलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपसे कनेक्ट ना हो जाए तब तक, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट, आइए आपकी रीडिंग को हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो आने वाला वक्त है वो कैसा हो सकता है, आने वाला वक्त आपका कैसा होगा। नंबर फर्स्ट जिन लोगों ने भी चुना है, आपका पहला जो कार्ड आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। आया है सन का कार्ड। सन का कार्ड एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड। सब कुछ सफलता हासिल होगी, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, आपकी जॉब अगर आप करना चाह रहे थे तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। आने वाला वक्त तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फोकस कीजिए अपने काम पर। ट्रैवल का कार्ड भी साथ में आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप फोकस कर नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको बार बार रोक रही है, उस चीज़ को अपने जीवन से हटाइए। आप बहुत ज़रूरत है कि आप उस काम से अपना ध्यान दे पाएँ, अपने लाइफ में फोकस कर पाएँ। आपकी कोई बुरी लत हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचती है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर ऐसा कोई काम है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द उस चीज़ को बाहर करिए अपने लाइफ से, क्योंकि ये चीज़ आपको रोक रही है जीवन में आगे बढ़ने से, ठीक है। आप कर पाएंगे, आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में बिल्कुल वो आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन शर्त क्या है ना कि जो चीज़ आपको रोकती है बार बार, जो बुरी लत है या कुछ भी है, ठीक है, उसको बाहर करिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता फिर आप उस बुरी चीज़ में फंस जाते। देखिए ये कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर बुरी चीज़ का मतलब आपकी कोई आदतें होंगी, जिससे कि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। ये एक तरीके से एक आप इसको लत कह सकते हैं कि आपको इसकी लत लग चुकी है। अपना समय बर्बाद करते हैं आप उसमें, आप बहुत ज़्यादा आप कुछ भी आप बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, खेल कूद में बर्बाद कर रहे हैं या फिर टीवी देखने में बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि आपको नशे की आदत है, आप नशा करते हैं, अपने दोस्तों की संगत में आके आप गलत तरीके से लाइफ में जा रहे हैं आगे। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको हमेशा रोक लेती है जीवन में आगे बढ़ने से, आप बार बार उसी रास्ते पे चलते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है, रिलेशनशिप, आप किसी बुरी रिश्ते में हैं, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि इसका भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस ओर बढ़ रहे हैं। आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ पर आप जीत हासिल करें और अपने जीवन से उसको निकालें, इसलिए डेविल का कार्ड आपके लिए है। आपके लिए एक कार्ड ये भी है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी कमियों से लड़ सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है आने वाला वक्त और क्या गुड न्यूज़ आपको दे सकता है। जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर, पहले नंबर के पवित्र स्थान को आपने चुना है और पहले नंबर को चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। आपके लिए आ गया फैमिली रूम, और देखें क्या आता है आपके लिए। मैरिज का कार्ड भी आ गया यार, तो बड़ा अच्छा कार्ड आपके लिए आ गया, ठीक है। आपकी शादी के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। और बहुत ही ऐसा इंसान आपके लाइफ पार्टनर बन सकता है जो कंप्लीट होगा। कुछ शिकायतें आपको हो सकती हैं इस रिश्ते से, ठीक है। ऐसा शिकायत होगी जैसे आप कह सकते हैं कि वो इंसान आपसे एज में ज़्यादा है, ठीक है।
आपको लगेगा कि वो इंसान देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी एज दिखती है, लेकिन यकीन मानिए ये इंसान आपके लिए परफेक्ट होगा। ये आपको जीवन की हर खुशी देगा ये इंसान, ठीक है। आपके घर परिवार में शादी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप शादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपके बहुत करीबी इंसान की शादी का यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट कपल यहाँ दिख रहा है। और किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात भी होगी जो आपको लगेगा कि ये इंसान आपके योग्य है, इस इंसान से शादी आप करें तो आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हो सकता है कि वो इंसान आपके फैमिली को ना पसंद आए लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी बहुत लोगों के साथ चेंज हो सकती हैं लेकिन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें यहाँ दिख रही हैं। आने वाला समय आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं, घर परिवार के साथ आप रहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, ऐसा मौका आपको मिलने वाला है आने वाले वक्त में। आपके लिए जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च तो निकल चुका है लेकिन मार्च आपका लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो मार्च, या फिर आपके पार्टनर की, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में होगा उसके लिए। मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए हो सकता है, फरवरी का महीना और जनवरी का महीना, ठीक है। 2 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो हो गई कंप्लीट आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नंबर सेकेंड। तो जिन लोगों ने भी नंबर सेकेंड को चुना है, आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाला जो वक्त है वो कैसा है। पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया आपके लिए। अरे वाह, आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है भाई। अगर आप जॉब को लेके परेशान रहते हैं ना, कंफर्म आपके लाइफ में वो समय आने वाला है जब आपको अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षाएं देते हैं, तो बहुत फोकस कर लीजिए। ये जो समय है ना, इसमें अपना सब कुछ आप दीजिए, समय दीजिए, अपना तन मन धन से लग जाइए, जुट जाइए। अगर आपने यहाँ पे वक्त दे दिया तो यकीन मानिए सफलता ही सफलता है आपके जीवन में, बस आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स में कि आप योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लोगों के बातों में ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और अपना वक्त आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपना वक्त आप अपने लाइफ में अपने लिए इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समय बदल रहा है, उसका इस्तेमाल आप कीजिए। ये जो परिस्थितियाँ बनेंगी ये आपके अच्छे भविष्य के लिए बन रही हैं। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, अपनी पढ़ाई में अगर आपने फोकस किया तो आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है। आप तैयारी कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी यहाँ लग सकती है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। देखिए, जिसके साथ भी कनेक्ट हुए हैं वो समझ रहा है, तो विश्वास के साथ एक बार फोकस कर लीजिए, आपकी लाइफ में चेंज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं नंबर सेकंड के साथ और क्या गुड न्यूज़ जुड़ी हुई है आने वाले वक्त में। हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। हो सकता है आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए आप बाहर गए हुए हैं, आप अपने घर लौट सकते हैं वापस, या घूमने फिरने जा सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आने वाले वक्त में। आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग है, ट्रैवल आप कर सकते हैं कहीं दूर। कोर्टशिप का कार्ड भी यहाँ पे है। देखिए, कुछ कार्ड्स हमें ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी वजह से अलग हो गए, डिवोर्स भी हो सकता है यहाँ पे, या लेना चाहते हैं, आप दोबारा से मिलेंगे, आपका कोई काम है तो वो थोड़ा सा रुकेगा, मतलब अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम है तो थोड़ा सा वक्त वहाँ लग सकता है। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते थे तो ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ठीक है, इसमें आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे अपनी पुराने
लोगों से मिल सकते हैं। पुराने लोगों का मतलब हो सकता है कि आप अपने गांव जाने का सोच रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपने सोचा नहीं था और आप चाहते थे कि उनसे मिलें, आप समय बिताएं उनके साथ, तो आपकी मुलाकात होगी। चेंज, ट्रेवल, चेंज, इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपके लाइफ में बदलाव तो आ रहा है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, चैरियट का कार्ड भी आपके लिए, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। हो सकता है कि प्रमोशन, हो सकता है कि ट्रांसफ़र, हो सकता है कि घर चेंज कर रहे हैं या फिर नया घर ले रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं या नया जॉब करने जा रहे हैं, बदलाव, ठीक है। लाइट भी आ गई आपके लिए, काफ़ी समय से कटी थी, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव हैं, एक बदलाव को दिखा रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे बहुत जल्द आपके लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, तैयार हो जाइए उसके लिए। बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, फोकस कीजिए अपने लाइफ के ऊपर। बहुत समय आप इधर उधर अपना देते हैं, अपना समय अपने लिए इन्वेस्ट कर लीजिए। देखिए पूरी जीवन पड़ा है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, फिलहाल जब आपकी लाइफ को ज़रूरत है आपकी, तो आप उसको वक्त दीजिए। सितंबर का महीना बहुत ज़रूरी आपके लिए है, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपके लिए सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी लाइफ में जो महत्व रखता है उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल हुआ होगा सितंबर में आपके लिए। 9 तारीख आपके लिए बहुत मायने रखती है, मार्च आपके लिए 3 तारीख, अप्रैल आपके लिए 4 तारीख, 1 तारीख जनवरी, ठीक है, सितंबर 9, ठीक है, 3 तारीख, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो प्लीज़ उसको फोकस कीजिए और विश्वास कीजिए और उस पर अपना काम कीजिए। परिवर्तन ज़रूर देखने को आपको मिलेगा, आप बात को समझें ज़रूर। अगर आपसे कनेक्ट हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, मुँह से निकल कुछ हो जाता है। आप सबको पता है कि एक तरीके की लाइव रीडिंग होती है, कोई एडिटिंग नहीं होती है, भाई इंसान है, कभी कभी कोई मुँह से गलत निकल भी जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आपके साथ भी गलतियाँ होती हैं, मेरे साथ भी हो जाती हैं, कभी बोलना कुछ चाहते हैं तो कभी कभी जबान साथ नहीं देती है, तो कुछ निकल जाता है कभी कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई हंसने की बात है या फिर मजाक की बात है या फिर शर्मिंदगी की बात है, कुछ नहीं, इंसान है, सबसे गलतियाँ हो रही हैं, कोई यहाँ भगवान नहीं है, ठीक है। बस हमारा काम था, मैंने वो काम किया, मुझे आपको कुछ मैसेजेस देने थे, मैंने आपको दिया। अगर आपको सही लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपके लिए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।